ये जो चैप्टर है ना, ये बैकबोन है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की दो ब्रांचेज होती है, एक होती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होती है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो दिस चैप्टर इज द बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिन बच्चों को आगे साइंस पढ़नी है, ठीक है, उनके लिए ये चैप्टर बहुत जरूरी हो जाता है इसे सीखना। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, तीन चार चैप्टर तुम्हारी बैकबोन बनाते हैं केमिस्ट्री की। एक तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हो गया, ठीक है, और ये कार्बन वाला चैप्टर, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। जिनको भी आगे मेडिकल पढ़ना है चाहे नॉन मेडिकल पढ़ना है, केमिस्ट्री तो दोनों ही कंडीशन में आपको चाहिए। तो अब ध्यान से देखिए, इस चैप्टर के बारे में हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले सवाल आता है कार्बन क्या होता है। तो मुझे ये बताओ, तुम लोग मुझे बताओ कि कार्बन के बारे में तुम क्या जानते हो, क्या चीज जितन जो तुम्हें नॉलेज है कि चलो सर ये चीज हमें कार्बन के बारे में पता है। टेल मी, भावना झा बताइए मुझे, अनम्यूट योर सेल्फ एंड टेल मी, कार्बन के बारे में कितनी सिर्फ जानकारी है? कार्बन ही, यस सर, सिर्फ कार्बन एक नॉन मेटल है, और कार्बन जो है हमारे अर्थ की क्रस्ट पे मतलब काफी ज्यादा है। अर्थ की क्रस्ट में किसी भी क्यों, चीज मेरे को क्रस्ट बर्न में भी करने के दुनिया लिए भर का है कार्बन, ये, योर होल बॉडी इज मेड अप ऑफ कार्बन। ऑर्गेनिक का यस सर, मतलब ही कार्बन होता है, इसीलिए चैप्टर का नाम जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कनेक्टेड होता है, बिकॉज जितने भी प्लांट्स और एनिमल है दे ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन, कार्बन। और वो चीज जो बर्न करती है, जल सकती है आग लगाने पे, वो कार्बन से बनी हुई है। तो इसलिए ये जो कार्बन का टॉपिक है, ये ऐसा नहीं कि एक सिर्फ एक एलिमेंट है, बल्कि ये समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में जो लिविंग वर्ल्ड है वो पूरे का पूरा कार्बन पे ही डिपेंड है, बिकॉज हमारे बॉडी में 90% से ऊपर, 99% तक कार्बन प्रेजेंट होता है, प्लांट और एनिमल। एंड दैट्स वाई जो भी चीज कार्बन से कंसिस्ट होती है वो बर्न करती है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि कार्बन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी कंपोनेंट है। साथ में आप ये भी कह सकते हो कि दुनिया में सबसे ज्यादा कंपाउंड अगर कोई एलिमेंट बना रहा है तो कार्बन बना रहा है। कार्बन की अपनी एक खासियत होती है कि कार्बन खुद के साथ जुड़ के कार्बन की कनेक्टिविटी कर सकता है, कार्बन की बॉन्डिंग कर सकता है, और इसकी चेन इतनी लंबी होती है कि ठीक है आप इसे जितना लंबा चाहो कार्बन कार्बन एटम को जोड़ के किसी लेवल तक ले जा सकते हो। दुनिया के सबसे कीमती चीज जिसे आप डायमंड कहते हैं वो भी कार्बन का ही एलोट्रोप है, ठीक है, ग्रेफाइट वो भी कार्बन का ही एलोट्रोप है। तो दैट्स व्हाई आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि दिस चैप्टर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है, दैट पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस चैप्टर को समझने के लिए आपको अपने थोड़े से, जैसे कहते हैं ना, सेंस ऑफ ह्यूमर का ज्यादा इस्तेमाल करना है, सो दैट आप चीजों को ढंग से समझ पाओ। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज कार्बन। तो कार्बन इज एन एलिमेंट, एंड जनरली ये एलिमेंट नॉन मेटल से कनेक्टेड है। अब मैंने ये चैप्टर इसीलिए लिया है क्योंकि हमने इससे जस्ट पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की है, जिसमें हमने मेटल नॉन मेटल की सारी प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश की थी। तो कार्बन जो है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर आता है, और कार्बन जो है पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर 6 के साथ आता है, और ये जो है जनरली कार्बन फैमिली में आता है। कार्बन फैमिली कौन सी होती है, ध्यान से याद करो, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो 2 और 6 है, तो मतलब ये सोलवें ग्रुप में आएगा, ग्रुप नंबर 16 में आएगा ये, ठीक है। तो इसलिए आपको इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना है कि जो भी चीजें हमारे पास होती है वो सब इसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी है। तो कार्बन एक एलिमेंट है, नॉन मेटल है, मोस्ट ऑफ कार्बन इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। अब कार्बन की जो भी चीज होगी, या कार्बन जो एलिमेंट है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों होता है, बिकॉज ये नॉन मेटल है, और हमें पता है कि नॉन मेटल जो है वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, राइट। लेकिन एक चीज तुम्हें बताऊं, कार्बन का एक एलोट्रॉप है जिसे हम बोलते हैं ग्रेफाइट, इट्स ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और उसका कारण ये है कि क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है बॉन्डिंग के टाइम पे, अगर उसका स्ट्रक्चर देखोगे, एंड दैट्स वाई वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ओके, दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस, हमने पढ़ा था कि जो नॉन मेटल होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, लेकिन डायमंड जो है कार्बन का ही एलोट्रॉप है, लेकिन ये दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो ये कुछ इसके एक्सेप्शन भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। ओके, अगला देखो, नेम ऑफ कार्बन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कार्बो। ये जो शब्द है कार्बो, ये कार्बो या कार्बन शब्द जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया, जिसका मतलब होता है कोल, दैट इज ब्लैक, जो देखने में काला हो, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, द अर्थ क्रस्ट में लगभग 0.02% कार्बन अवेलेबल है, क्रस्ट में। अभी थोड़ी देर पहले भावना कह रही थी कि अर्थ के क्रस्ट में बहुत सारा है, बट ऐसा नहीं है, ये लिविंग में ज्यादा है, क्रस्ट में नहीं है, धरती में, ये मिनरल्स फॉर्म में नहीं मिलता हमें, ठीक है। उसके बाद आगे देखें तो कार्बन जो है वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है कि सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट ये इनऑर्गेनिक प्रॉपर्टी के साथ भी काम करता है।
ओके, एटमॉस्फेयर के अंदर भी आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन के रूप में प्रेजेंट है और वो 0.03% है। ये सारे जितने भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब के सब फैक्ट आपके कहीं ना कहीं एमसीक्यू में, ये छोटे क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, तो आपको इन सब चीजों का पता होना चाहिए। कार्बन के हमारे पास तीन फॉर्म है जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, आइसोटोप्स, C12, C13, C14। आइसोटोप्स आपको पता होगा, 9th में पढ़ा होगा आपने, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है, उन्हें आइसोटोप्स कहा जाता है। ओके, उसके बाद आगे देखें बेटा, C12 जो है वो जब तक एनिमल जिंदा है, जैसे आप मैं हम सब, जब तक हम लिविंग है, जिंदा है, हमारे में जान है, तब तक हमारे अंदर कार्बन का कौन सा रूप है, C12 है। और जैसे ही कोई लिविंग डेड होता है तो उसका वो C12 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, C14 में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं कार्बन डेटिंग। आपको अच्छे से पता है कि हजारों साल पहले, ठीक है, इस धरती पे क्या हुआ करते थे, डायनासोर्स होते थे, ठीक है, हजारों साल पहले बहुत सारे एनिमल्स होते थे, तो उनकी जो लाइफ साइंटिस्ट आज के टाइम पे कैलकुलेट कर पाते हैं, वो ऐसा थोड़े ना है कि वो डेड बॉडी उठ के बोलती होगी कि मैं तो इतने साल पहले हुआ करता था, यहाँ रहा करता था, ये मेरी जिंदगी थी, ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं बोलते होंगे, वो तो डेड पड़े। तो वो कैसे पता लगाते हैं कि ये कितने साल पुराना है, हजारों साल पुराना है, कार्बन डेटिंग उसकी प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम है कार्बन डेटिंग। तो होता क्या है कि जो C14 कार्बन का हमारा आइसोटोप है, वो हमारे डेड बॉडी के अंदर, जैसे ही कोई भी लिविंग डेड होता है उसके अंदर वो C12 से C14 में कन्वर्ट हो जाता है कार्बन का फॉर्म, और वो कार्बन C14 जो है वो एक क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे आइसोटोप्स जो लगातार अपना रेडिएशन निकालते रहते हैं, मतलब उनके अंदर से रेडियो एक्टिव वेव्स निकलती रहती है, रेडिएशंस निकलती रहती है, और वो डिसइंटीग्रेट होते हैं। डिसइंटीग्रेट का मतलब है वो धीरे धीरे उनकी जो क्वांटिटी है वो घटने लगती है। तो जो कार्बन की लाइफ है वो C14 वो 6,400 साल में आधा हो जाएगा। अगर 1 किलो का कोई कार्बन का कंपाउंड हमारे पास है और वो C14 का है, तो 6,400 साल के बाद वो हाफ हो जाएगा। एंड दैट इज द पॉइंट कि C14 की जो कंडीशन है वो कार्बन डेटिंग में यूज की जाती है। इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला भी है कार्बन डेटिंग को कैलकुलेट करने का, जो कि आप 12th क्लास में पढ़ोगे, जब आप 12th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख रहे होंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि लिविंग के अंदर जितनी भी जिंदा, चाहे वो प्लांट है या एनिमल, लिविंग की अगर बात करें तो दो ही टाइप के लिविंग होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। उनके अंदर जब तक वो लिविंग है उनके अंदर C12 कार्बन होता है, और जब वो डेड हो जाते हैं तो यही C12 जो है कन्वर्ट हो जाता है C14। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में बातें नहीं मिलने वाली जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा, बिकॉज ये क्वेश्चंस एग्जाम में कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के देते जरूर है, वो आपको लिखा हुआ है ना, रेडियो एक्टिव है ये, ठीक है। अब अगला सवाल हमारे पास आता है कि वाई स्टडी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कि भाई क्यों पढ़े हम इन कार्बन और कार्बन के कंपाउंड को, पागल है कि हमारे पास इतना समय है कि फालतू में हम टाइम खराब करें इन कार्बन के कंपाउंड को पढ़ने में। तो सिंपल सी बात है, आप अच्छे से जानते हो कि हमारी, आपकी, हम सबकी बॉडी कार्बन से बनी हुई है। तो अगर हम सबकी बॉडी कार्बन से बनी हुई है, तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि कार्बन की प्रोसेस क्या है, कैसे ये काम करता है और किस तरीके की इसकी कंपाउंडिंग होती है, तो शायद आपको कार्बन और उसके कंपाउंड को समझना चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री को समझना चाहते हो, तो 90% पार्ट केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से दिया गया है, तब भी आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को समझना चाहिए, ठीक है। बाकी चीजें तुम पे डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से इस चीज को सीखना और समझना चाहते हो। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पे अब इन्होंने जो बातें दी, देखिए, लुक एट हियर, यहाँ पे देखते ही बहुतों की आंखें चमक गई होगी, क्यों हो इतनी बड़ी चीज हमें बता दी, ठीक है। तो ये जो बात यहाँ पे हो रही था स्टडी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की, वो थोड़ा सा समझने वाली बात है, ठीक है। लुक एट हियर, दीज आर द पॉइंट्स। ये जो भी पिक्चर आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रही है, सबके सब कार्बन के ही फॉर्म है। दे ऑल आर फॉर्म्स ऑफ कार्बन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन, प्लास्टिक हो गया, पॉली बैग्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो पाइप्स होती है आपके पास, वुड हो गया आपके पास, डायमंड है, कोल है, ग्रेफाइट है, ये सब के सब कहीं ना कहीं कार्बन के ही फॉर्म से, दे ऑल आर कंसिस्ट ऑफ कार्बन। और सबसे बड़े फॉर्म तो आप खुद हो जो बैठे पड़े हो, सबके सब, हम सबके सब जो है कार्बन से ही बने। हमारी बॉडी के अंदर जो है 90% से ज्यादा कार्बन अवेलेबल है। इसीलिए आपको पता है हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जब भी कोई ह्यूमन डेड होता है तो उसे जलाया जाता है, और जलाया इसलिए जाता है क्योंकि हमारी हिंदू सभ्यता ये कहती है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, और वो 5 तत्व कौन कौन से हैं, हवा, पानी, ठीक है, आग, जल, ठीक है, इसको पानी भी कह सकते हो, और आकाश, सूर्य। तो जब डेड बॉडी को जलाया जाता है तो आपको पता होगा कि वो सारी चीजें उसमें विलीन हो जाती है। जब जलती है तो आग अपना हिस्सा ले जाती है, हवा में जो है वो अपना हिस्सा ले जाती है,
ठीक है। इसके अलावा पानी में हम जो है अस्थियां प्रभावित करते हैं तो वो अपना हिस्सा ले जाता है, राख जमीन में चली जाती है तो धरती अपना हिस्सा लेती है, इस तरीके से पांचों तत्वों में हमारा शरीर विलीन हो जाता है। तो हमारी हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी पांच तत्वों से मिलकर बनी हुई है, पांच एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। और यहाँ पे वो बाकी चीजें तो छोड़ दो, माइथोलॉजी वगैरह हमारा कंसेप्ट नहीं है, बट द थिंग इज दैट कि हमारी बॉडी कार्बन से बनी है तभी वो बर्न करती है, जलती है। तो जहां कार्बन होगा, याद रखना कोई भी चीज आप जलाओ और अगर वो बर्न करे तो समझ लेना वहां पे कार्बन अवेलेबल था, उसमें कार्बन था, वही बर्न हो रहा है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। ये बात आप सभी जानते हो, सिंपल बेसिक केमिकल रिएक्शन की बात। ओके तो ये जो भी पिक्स आप देख पा रहे हो, पिक्चर है, दे ऑल आर, आप ये मान के चलिए कि ये कहीं ना कहीं सभी जगहों पे कार्बन की अवेलेबिलिटी है। गॉट इट। ये जो साबुन आप यूज करते हो, चाहे कपड़े धोने का यूज करते हो, चाहे नहाने का, वो भी कार्बन से ही बना हुआ है, ठीक है, उसमें भी कार्बन है। और ये चैप्टर के एंड में है ये चीजें, बट ये सिलेबस में तुम्हारे नहीं है, क्योंकि सोप वाला जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वहां से 3 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता था, बट वो सिलेबस में कटा हुआ है, तो आपको उसके ऊपर फिलहाल तो बात नहीं करनी है। चलिए नाउ मैं आपको अगली स्लाइड पे शिफ्ट करता हूँ। नाउ व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट कार्बन, मतलब जो कार्बन को हम इतना इसका गुणगान कर रहे हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, तो इसमें ऐसा क्या खास है इस कार्बन में, व्हाई वी आर यू नो टेकिंग इट सो सीरियसली। सो कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। एक बात तो तुम्हें ध्यान रखनी है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। अगर आप इसका कॉन्फिग्रेशन करेंगे, तो कॉन्फिग्रेशन जब आप कार्बन का करोगे बेटा, तो आपको अच्छे से पता है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखोगे, दूसरे शेल में आप कितने रखोगे, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन ही 6 इसके पास। तो अगर ऐसा है तो आप ये मान के चल सकते हो कि कार्बन का कॉन्फिग्रेशन अगर 2 और 4 है, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और 4 इलेक्ट्रॉन की सिचुएशन ये बताती है कि अगर किसी एलिमेंट के पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, तो ना तो वो लूज कर सकता है ना ही वो गेन कर सकता है। और कार्बन का एटम बहुत छोटा है, इसीलिए ना तो इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता है, क्योंकि उतनी प्रोटॉन की स्ट्रेंथ नहीं है इसके न्यूक्लियस में, और ना ही अपने 4 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकता है, फिर कार्बन की खुद की आइडेंटिटी खतरे में पड़ जाएगी। ऐसे में एक ही ऑप्शन है कि ये क्या करे, शेयरिंग करे। इसीलिए कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन 4 दूसरे एटम के साथ शेयर कर सकता है, ज्यादातर ये हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है, और इसीलिए कार्बन और हाइड्रोजन के बड़े अच्छे कंपाउंड बनते हैं जिनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन यानी कि अगर एक कार्बन को मैं सेंटर में रखूं, तो उसके 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 4 एटम के साथ क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है जो शेयर कर सकता है। और इसीलिए सबसे पहला जो हाइड्रोकार्बन, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन बनता है वो है मीथेन। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला CH4 होता है, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं, ठीक है। और ये पूरी की पूरी सीरीज आपको याद करनी होगी, सब इनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन का नाम है मीथेन, CH4। फिर दूसरे पे आएगा इथेन, ठीक है, C2H6। तीसरे पे आएगा प्रोपेन, ब्यूटेन चौथा, पेंटेन पांचवा, और छठा जो कंपाउंड होगा वो होगा हेक्सेन। सेवंथ पे आएगा हेप्टेन, एट्थ पे आएगा सर ऑक्टेन। स्क्रीन रुक गई है सर। स्क्रीन तो रुकी हुई है, मैंने लिखा थोड़ी ना कुछ, मैं सिर्फ बोल रहा हूं फिलहाल। आप स्क्रीन को क्यों दौड़ाना चाहते हो, उसको तो रुकी रहने दे, ठीक है। अभी आई एम जस्ट टेलिंग यू द थिंग्स, ठीक है बेटा, अभी आगे कुछ नहीं आ रहा है। देखो स्क्रीन चल पड़ी, अब देख चलाता हूँ, यार चल गई तो मैंने रोक रखी, उसके चक्कर में मत रह, मेरी बात सुन जो मैं बता रहा हूँ तुझे, ठीक है। तो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट कार्बन, देखो कार्बन की ये खास प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये अपने आप में पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे पावरफुल एलिमेंट उभर के सामने आता है। पहली चीज देखो, कार्बन जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कैसी बॉन्डिंग करता है, एक नंबर का सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज फाउंड बाय द कार्बन। तो जवाब होगा कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। दूसरा, 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, अगर इसकी कॉन्फिगरेशन करे तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। उसके बाद सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी है इसकी, और इसी सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी का नाम है कैटेनेशन, जो कि एक नंबर की डेफिनेशन पूछी जाती है। व्हाट इज कैटेनेशन, द सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन एटम दैट इट कैन फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन कार्बन एटम, दिस इज नोन एज कैटेनेशन, ठीक है। उसके बाद इसके बहुत सारे एलोट्रॉप्स हैं, यानी कि कई रूप में ये मिलता है कार्बन के, डिफरेंट फॉर्म्स अगर देखें तो ग्रेफाइट, जो पेंसिल आप लिखते हो जिससे वो पेंसिल में ग्रेफाइट लगा होता है, तो वो भी कार्बन की एक फॉर्म है। डायमंड, जिसको दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा और सबसे वैल्यूएबल माना जाता है, वो भी कार्बन का ही एक रूप है, ठीक है। और देखें, और इंपॉर्टेंट बातें, ये सारी चीजें अपने नोट्स बना के अपने पास रखें और इन्हें ध्यान से समराइज करें। समराइज का मतलब रटना नहीं है, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप थोड़ा सा सोच पाओ और समझ पाओ। ये सब चीजें छोड़ो, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं।
तो ये चार बातें आपको ध्यान देनी है। कौन कौन सी चार बातें जो मैंने आपको अभी बताई? कार्बन जो है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, नॉन मेटल है, कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, ठीक है, और सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी है, खुद के साथ खुद की बॉन्डिंग कर सकता है। दूसरे एलिमेंट में ये क्षमता नहीं होती कि सोडियम सोडियम के साथ जुड़ के एटम की लंबी चेन बना सके, लेकिन कार्बन जो है हजारों एलिमेंट, यू नो थाउजेंड्स ऑफ एटम्स को कंबाइन करके लॉन्ग चेन बना सकता है, ठीक है। ये सारी अभी मैं आगे तुम्हें बताऊंगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम, तो वी विल टॉक अबाउट सच थिंग्स, ठीक है। सो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको लेके जा हमारा अगला सवाल पैदा होता है कि व्हाई कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, जो कार्बन है वो कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, क्या क्या मिलता है उसे कोवेलेंट बॉन्ड बना के? उसे कुछ नहीं मिलता, वो नहीं बनाता, ये तो इंसानों ने देखा है कि इसके अंदर इस तरीके की बॉन्डिंग होती है, लेकिन ये ऐसा इसलिए करता है, ठीक है, क्योंकि कार्बन के क्वेश्चन यही आता है कि कार्बन फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड या कार्बन फॉर्म लॉन्ग चेन कैटेनेशन उसका कारण क्या है? दो कारण आप बताओगे, स्मॉल साइज जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक एटम दूसरे एटम पर स्ट्रॉन्गली रखता है, और दूसरा है कैटेनेशन प्रॉपर्टी, दैट इज द कोवेलेंट बॉन्डिंग। इन दो प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन कार्बन के बीच में लॉन्ग चेन बनती है, और कार्बन के बहुत लंबी चेन हम देखेंगे आगे जब मैं तुम्हें इसका यू नो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में बताऊंगा, देन वी विल टॉक अबाउट इट। तो यहां पे देखो क्या लिख रही है, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4-Ni, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस फॉर 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। ये सवाल कर रहे हैं कि कार्बन जो है कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है, ये आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता? तो ये देखो, अगर कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर दे, ठीक है, या 4 इलेक्ट्रॉन अपने गेन कर ले, मान लो इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया तो C4- हो जाएगा, अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया तो इसके पास जो न्यूट्रॉन है वो तो 6 है, और अब इसने 4 गेन कर दिया तो इसके पास 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन की फोर्स 6 प्रोटॉन के अंदर नहीं है कि उसे वो होल्ड कर सके, इस वजह से हम ये कह सकते हैं, ठीक है, कि ये 4 इलेक्ट्रॉन ना तो गेन कर सकता है। और अगर अगला केस लूं मैं कि ये मान लो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन अपने लूज करना चाहे और C4+ का साइन बनाने की कोशिश करे, ठीक है, इस तरीके से अगला पॉइंट आने दो, तो यहाँ पे ये रहा, ठीक है, इट कुड बी लूज कि मान लो कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर दिए तो आउटरमोस्ट शेल में थे तो ये कैटायन बनाएगा, बट इसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और कार्बन का एटम बहुत छोटा है, ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने लूज नहीं कर सकता, अगर ये लूज कर भी देगा तो इसकी खुद की आइडेंटिटी खतरे में पड़ जाएगी, मतलब इसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, इसके एटम होने की संभावना नहीं रहेगी, बिकॉज इसके पास सिर्फ और सिर्फ कितने रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 6 प्रोटॉन होंगे, 6 प्रोटॉन का फोर्स इतना स्ट्रांग होगा 2 इलेक्ट्रॉन पे कि उन 2 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर समा जाएगा और एटम की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। तो ये दोनों केसेस संभव नहीं है, दोनों पॉसिबिलिटीज नहीं है कि ना तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ना ही कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, मतलब ना तो ये एनायन बना सकता है, ना ये कैटायन बना सकता है। तो अब रास्ता क्या बचा है इसके पास, तो जो रास्ता बचा है उसी को कहते हैं हम क्या, कोवेलेंट बॉन्डिंग। ये शेयरिंग करता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ शेयर करता है, देता नहीं है, ये बोलता है ठीक है मेरे साथ हाथ मिला ले, थोड़ी देर मेरे साथ रह ले, बॉन्डिंग कर ले, लेकिन मैं अपने इलेक्ट्रॉन ना तो तुझे दूंगा ना तेरे इलेक्ट्रॉन लूंगा। एंड इसी प्रॉपर्टी के बेस पे हम कह सकते हैं कि जो कार्बन है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है। क्वेश्चन आता है कि व्हाई कार्बन फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड, तो आप बोलोगे इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द कार्बन टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन और टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन बिकॉज द साइज ऑफ द एटम इज क्वाइट स्मॉल एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द कार्बन टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन, द ओनली कंडीशन रिक्वायर्ड इज दैट इट हैज द पॉसिबिलिटी टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड्स, सो इट शेयर द इलेक्ट्रॉन एंड इट ऑलवेज फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये रीजनिंग में एज इट इज जो मैं हेडिंग दे रहा हूँ, ये सीधे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको इन बातों का थोड़ा सा सोचने समझने वाली चीजें, इसमें रटने का गेम तो दूर दूर तक हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये देखो लिखा है इन्होंने, क्या लिखा है इसको ध्यान से देखिएगा सामने, ये कह रहे हैं कि कार्बन यू नो ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन, और आप कह सकते हो विद द एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट। तो कार्बन अपनी इस समस्या का समाधान कैसे करता है, कार्बन अपने ही कार्बन एटम के साथ, 4 कार्बन एटम के साथ शेयरिंग करके जो है कार्बन की चेन बना सकता है, या फिर वो दूसरे एलिमेंट जिनमें ज्यादातर हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड करता है, और इस तरीके से एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ब्रांच बन जाती है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड्स, जिसमें मैंने सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन आपको कौन सा बताया, दैट वॉज मीथेन CH4, ठीक है, फिर आएगा C2H6, फिर आएगा C3H8, फिर आएगा C4H10, फिर आएगा C5H12 एंड सो ऑन, इनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, और ये सारे के सारे आपको फॉर्म करने के लिए आएंगे। अब कोवेलेंट कंपाउंड की कुछ बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों के बारे में बात करेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा स्क्रीन को अपने। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, पहली प्रॉपर्टी है दे आर जनरली
लिक्विड और गैसेज, जो भी कोवेलेंट कंपाउंड होंगे या तो वो नेचर में फिजिकल स्टेट उनकी या तो लिक्विड होगी या फिर वो गैसियस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी। सम कोवेलेंट कंपाउंड में एग्जिस्ट एज, कुछ इक्का दुक्का ऐसे भी मिलेंगे जो सॉलिड फॉर्म में हो सकते हैं। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि पानी में अगर उनको डिजोल्व करेंगे तो डिजोल्व होंगे या नहीं, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। तो दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो पानी में डिजोल्व नहीं होते, ठीक है। एंड अदर पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट ऐसे होते हैं जिनमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। हाँ, एक चीज हम कह सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाएंगे, जिसमें बेंजीन है, टुलीन है, ऑयल है, इनके अंदर ये डिजोल्व हो सकते हैं। अब ये बेंजीन क्या है, टुलीन क्या है, ये सारी चीजें भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही देखने को मिलेगी। ये तो जस्ट एक शुरुआत है, पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तुम्हारा। तो ऐसे बहुत सारे नामों से आपको रूबरू होना पड़ेगा जो आपको काफी हद तक, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉलेज देगा। ऑलराइट, ओके, अब आगे मैं, अभी तुम सुनने पे ज्यादा ध्यान देना, लिखने पे नहीं। लिखने के लिए वीडियो मैं आपके ग्रुप पे भेज दूंगा थोड़ी देर के बाद, ये यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं इसे, तो वहां से आप चाहो तो पॉज करके अपना दोबारा लिख सकते हो, दोबारा सुन सकते हो और दोबारा उसको अच्छे से पक्का कर सकते हो। राइट, ये जितने भी नए नाम आपके आ रहे हैं इनको सबसे पहले तो आपको बोलना, समझना, सीखना, इन पे फोकस करना पड़ेगा, पहले फैमिलियर होना पड़ेगा। जब आप इनसे फैमिलियर हो जाओगे तब जाके आप कह सकते हो कि इस चैप्टर की कमांड ले पाओगे, ठीक है। ये देखिए, ये आपके पास प्रॉपर्टीज है कोवेलेंट कंपाउंड की। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपसे पूछा जाएगा, बताइए भैया फिजिकल स्टेट कैसी होती है, तो आप बोलोगे जनरली ये लिक्विड या गैसेस में होते हैं, ठीक है। और वन, या आप कह सकते हो कि कोई 100 कंपाउंड में एक कंपाउंड ऐसा हो सकता है जो फिजिकल स्टेट उसकी सॉलिड हो, अदरवाइज मोस्टली दे आर लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिबिलिटी की बात करें तो ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होते हैं, जिसमें बेंजीन है, टुलीन है, ठीक है, इस तरीके के कंपाउंड। ऑर्गेनिक का मतलब होता है ऑयली टाइप, जो एनिमल से जो ऑयल वगैरह निकलते हैं उनमें। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं तुम्हें बताऊं, बता तो जनरली दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करूं तो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिकल करंट, यानी कि ये इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है, कंडक्ट नहीं करते, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और आपको पता है कि जितने भी नॉन मेटल के कंपाउंड है वो जनरली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एक्सेप्ट, इसमें भी एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है, वो है आपका कौन सा, दैट इज ग्रेफाइट, ठीक है। अब है टू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ कार्बन, ये पता लगाना कि कार्बन है या नहीं, इसका टेस्ट आप कैसे करोगे, क्या खासियत इन चीजों की कैसे पता लगाओगे। तो देखिए ध्यान से, बर्न दैट मटेरियल इन प्रेजेंस ऑफ एयर, आप किसी भी चीज को लीजिए और उसे जलाने की कोशिश कीजिए, उसमें आग लगाइए, अगर वो जलेगा बेटा, इफ इट विल इट बर्न एंड इट प्रोड्यूस द फ्लेम, तो सिंपल सी बात है कि वो कार्बन था उसमें जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ और उसने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। बिकॉज कंबशन, जिसको आप बर्निंग कहते हो, वो कंबशन हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और आप जानते हो कि कंबशन के लिए, जलने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। एंड दैट्स वाई अगर वो जल रहा है तो कार्बन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, जिसके बाद आपको हीट और लाइट मिल रही है। तो आप सिंपली ये किसी भी चीज को, किसी भी कंपाउंड को बर्न करके आप ये पता लगा सकते हो कि यस, उसमें कार्बन है या नहीं है। अगर वो बर्न हुआ, जला, उसमें फ्लेम निकली, तो इट वॉज हैविंग द कार्बन, अदरवाइज नहीं। तो ये एक सिंपल सा टेस्ट है कार्बन को डिटेक्ट करने का। क्लियर हो रहा है मेरा?